नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। खुरी गांव में हाथियों ने दो मोटरसाइकिल को पटक कर किया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बालपल बचा मोटरसाइकिल चालक। चीनिया थाना क्षेत्र के खुरी गांव के सरकी टोला में बीते देर शाम हाथियों ने दो मोटरसाइकिल को पटक कर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर सरकी टोला निवासी पप्पू चौधरी एवं एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस हरिदास चौधरी का बताया जा रहा है, जबकि इस घटना में दोनों मोटरसाइकिल चालक बालपल बचे। घटना के संबंध में मोटरसाइकिल चालकों ने बताया कि खुरी साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर वापस हम दोनों लौट रहे थे कि इसी बीच जंगल में शाम करीब 7 बजे दर्जनों की संख्या में हाथी पार हो रहे थे। कुछ समझ पाते तब तक हम लोग हाथी के करीब 10 फीट नजदीक पहुँच गए। आनन फानन में हम लोगों ने मोटरसाइकिल को उक्त स्थल पर ही छोड़कर वहां से भागे और अपनी जान को बचाया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। बताते चलें कि चीनिया थाना क्षेत्र में बीते कई महीनों से हाथियों का आतंक जारी है और जंगल किनारे रहने वाले लोग हाथियों के आतंक से भयभीत व काफी परेशान हैं। लेकिन अभी तक हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को अपनी जान माल देकर चुकाना पड़ रहा है। हाथियों के द्वारा अब तक दर्जनों पशुओं को पटक कर मारा जा चुका है, जबकि एक दर्जन से ऊपर खपरेल मकानों को भी हाथियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है तथा सैकड़ों किसानों की फसलों को हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं दोनों भुक्तभोगी मोटरसाइकिल चालक ने वन विभाग से अपनी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के मुआवजे की मांग की है। पूछे जाने पर चीनिया प्रभारी वनपाल अनिमेश कुमार ने बताया कि हाथियों द्वारा दो मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त करने की जानकारी मिली है। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल का आकलन किया जा रहा है। सरकारी प्रावधान के हिसाब से भुक्तभोगी को मुआवजा जरूर मिलेगा।